नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 में होने वाले विधान परिषद सदस्य स्नातक सीट के चुनाव के संबंध में मेरठ सहारनपुर मंडल के सभी 9 जिलों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग प्रत्याशी सुनील कुमार त्यागी द्वारा शास्त्री नगर स्थित मिल्लत फार्म्स में आयोजित की गई, जिसमें सभी वर्गों के करीब 500 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और मीटिंग के दौरान प्रत्याशी सुनील कुमार त्यागी ने कहा कि वो इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, साथ ही चुनाव के लिए रणनीति पर भी उन्होंने चर्चा की। देखिए, मेरा मानना है कि ये चुनाव बिल्कुल भी टफ नहीं है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, चूँकि 9 के 9 जिले में बहुत लोग जिनसे मेरे पुराने संपर्क हैं, मेरे साथी हैं, आज वो मुझे अच्छे से समर्थन कर रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हम चुनाव आज की तारीख में बिल्कुल जीते हुए हैं, कोई भी कैंडिडेट हमारे बराबर में भी नहीं है अपना जो है। और मैं इसके लिए इसी जो हमारे साथी हैं पूरे 9 जिले के समाज का धन्यवाद देता हूँ। मीटिंग में आए 9 जिलों से कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी सुनील कुमार त्यागी को समर्थन प्रदान किया, साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि अगर वो ग्रेजुएट हैं तो अपना कीमती वोट सुनील कुमार त्यागी को देकर उन्हें भारी मतों से जरूर जिताएं। वीर महेंद्र सिंह, रिटायर्ड डिप्टी एसपी, आज हम लोग आए हैं, हमारे साथी हैं सुनील त्यागी जी, उनको स्नातक मेरठ सहारनपुर क्षेत्र है उससे चुनाव लड़ा रहे हैं, हम लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं और उनको जितना सहयोग और समर्थन हम लोग दे सकते हैं क्षेत्र से उसका प्रचार हम लोग कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लोगों का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। आज भी यहाँ देख लीजिए पूरे 9 जिलों से लोग सभी आए हैं जो उनके समर्थक हैं, सहयोगी हैं, और उनको मैं समझता हूँ कि सभी जिलों में अच्छा समर्थन मिलेगा और दे विल विन द सीट। नाम भोपाल सिंह राणा है और मैं राजपूत महासभा से हूँ और मैं राजपूत महासभा की ओर से श्री सुनील त्यागी जी का अपनी पूरी सभा से इनका समर्थन करता हूं और जितने भी हमारे स्नातक भाई हैं सभी इनको एकजुट मिलकर इनका समर्थन करेंगे। तो ये जो चुनाव हैं इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आने वाली हैं, काफ़ी सारी मेहनत इसके लिए लगने वाली है, तो कितनी तैयारी आप लोग कर चुके हैं? सारी तैयारी हो रही है, जिसमें कोई भी बाकी मिलेगी। अब 2020 अभी टाइम बहुत है समझ लें, और उसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे इनके साथ समर्थन बढ़ता जाएगा, लोग सारी तैयारी पूरी। मेरा नाम मोबिन अहमद है, मैं एक MS हेरिटेज पब्लिक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ और सुनील कुमार त्यागी जी के साथ खड़ा हुआ हूँ। हमने बहुत गांवों के अंदर जाके स्कूल्स में विज़िट की है, बहुत सारे स्कूल के अंदर विज़िट की है जहाँ पर हमें लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और लगता है कि जो है के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनको भारी मतों से जुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एडवोकेट, डॉक्टर्स, इन सभी से हमारी मुलाकात हुई है और स्कूल्स में भी हमारी मुलाकात हुई है, प्रिंसिपल और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं लोग उनसे भी, यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई है। वो सब के सब जो है सुनील त्यागी जी के साथ खड़े हैं, लगते हैं इंशाल्लाह इनको भारी मतों से विजय प्राप्त होगी। धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण त्यागी है और मैं सेवानिवृत्त निरीक्षक हूँ पुलिस विभाग से। हम लोग सुनील त्यागी के चुनाव प्रचार में आए हुए हैं और इनके लिए सभी तैयारी की जा रही है। 9 जिलों से लोग इकट्ठे हुए हैं और हर तरह की तैयारी में सब लोग हैं, पूरी पूरा विश्वास है कि चुनाव में जीतेंगे। क्या नाम है सर आपका? आसाराम त्यागी। तो आज समर्थन के लिए, सुनील त्यागी जी के समर्थन के लिए आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो क्या कुछ जनता से अपील है और कितनी तैयारियाँ आपकी चुनाव के लिए हो चुकी हैं? हाँ, मैं सभी पूरी जो 9 जिलों की ग्रेजुएट कॉन्स्टेंसी से लोग हैं उन सभी से ये अपील करता हूँ कि वो सुनील त्यागी को भारी बहुमत से जिताएं और पूरी तरीके से सपोर्ट करें। ये हमेशा काम आने वाले व्यक्ति हैं और सभी के काम अब तक आते रहे हैं, आगे भी ये सपोर्ट करेंगे सब लोगों को। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। मेरा नाम राजन त्यागी है, मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ। देखिए, अब तक आज़ादी के बाद से जब से ये चुनाव हो रहा है अब तक इस स्नातक क्षेत्र में अधिकतर शिक्षकों का अधिकार रहा है। अब जिस समय ये 1947 में देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जब ये व्यवस्था शुरू हुई तो ग्रेजुएट बहुत कम लोग होते थे, वो अधिकतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए होते थे, लेकिन अब जागृति आई है, स्नातक बढ़े हैं, शिक्षा का प्रचार बढ़ा है। तो इस बार हम लोगों ने तय किया है कि हम अपने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुनील कुमार त्यागी को आगामी 2020 में होने वाले स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ाएं। हमारा सब रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन का
त्यागी समाज का पूरा समर्थन इनके साथ है और आप देखेंगे जब ये रिजल्ट निकलेगा तो इन्हें हम भारी मतों से विजयी बनाएंगे। विनोद कुमार त्यागी नाम है मेरा, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और हम 2020 का स्नातक सीट का जो चुनाव है सुनील कुमार त्यागी को चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ 9 जिलों के लोग एकत्रित हुए हैं और उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसकी हमने रूपरेखा बना ली है और हमने करीब लाखों फार्म इसके लिए सदस्यता इसके वोट बनवाने के लिए सब भर भी लिए हैं और जिनकी वोट बनवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी 9 के 9 जिलों में जो तैयारियां चल रही हैं उसकी तैयारियों को अनुरूप देने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आपको बता दें कि मीटिंग के दौरान अब तक किए जा चुके कार्य की समीक्षा के साथ साथ आगामी रणनीति पर भी विचार किया गया और मीटिंग की अध्यक्षता गंगा शरण और संचालन MS हेरिटेज स्कूल के चेयरमैन RK त्यागी ने की। सभा में सभी 9 जिलों के चुनाव प्रभारियों के साथ साथ चुनाव संयोजक भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे ऐसी और खबरों को लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।